हेलो मित्रों, जय माता दी। मित्रों, आज 6 दिसंबर शुक्रवार का दिन है। ऐसे में मीन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन? व्यापार, करियर, उनसे जुड़े बहुत सारे ऐसे पहलुओं के बारे में आपको बताएंगे जो कि आपके आने वाले दिनों को बेहतर बनाने में काफी लाभकारी सिद्ध होंगे। मित्रों, आज आप कौन से क्षेत्र में कार्य करें जिससे कि आपको ज्यादा सफलता, आपके मान सम्मान, स्थिति में वृद्धि हो सके, आप अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकें, समाज में अपनी एक अलग पहचान बना सकें, इसके लिए क्या करें क्या ना करें? क्या कहते हैं आपके सितारे? आपका लकी कलर, लकी नंबर कौन सा रहने वाला है? मित्रों, आज आपके जीवन में कौन सी खुशियां दस्तक देने वाली हैं तथा कौन सी परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ेगा? मित्रों, आज आपको बताएंगे आपके व्यापार, करियर तथा आपके लव लाइफ के बारे में विस्तार से। उससे पहले वीडियो को आखिर तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि रोजाना राशिफल आपको समय पर मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। मित्रों, मीन राशि वाले जातकों को बताना चाहूंगा कि आज लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बरसेगी। सामाजिक रूप से यश और कीर्ति में वृद्धि होने की संभावना है। व्यापार में लाभ होगा। विवाह योग्य हैं तो शादी का प्रस्ताव आ सकता है, लेकिन मध्याह्न के बाद आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। पूंजी निवेश करने से पहले आपको सोच समझना चाहिए। परिजनों के साथ विरोध रहेगा, इसलिए मौन रहना ही उचित रहेगा। आप जितना हो सके सावधान रहें, दूसरों के जंजाल में न फंसें और वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। मित्रों, आज का दिन सुफलदायी है। व्यवसाय में स्थिति अनुकूल रहेगी तथा आपके कार्य की उचित प्रशंसा भी होगी। सामाजिक रूप से मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कार्य भी असफलतापूर्वक संपन्न होगा और उन कार्यों से भी आपको लाभ मिलने वाला है। दाम्पत्य जीवन में आनंद प्रमोद छाया रहेगा। नए कार्यों का आयोजन करने के लिए समय बिल्कुल अच्छा है। सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से लाभ मिलने के योग बन रहे हैं और किसी अस्मरणीय स्थान पर जाने की आपकी संभावना सबसे अधिक दिख रही है। मित्रों, प्रतिस्पर्धियों और उच्च अधिकारियों के साथ वाद विवाद न करने की जरूरत है। आप बताना चाहूंगा कि अपने वाणी पर नियंत्रित रखें और किसी भी कठोर कदम से उठाने से पहले एक बार अच्छे से सोच विचार कर लें और भविष्य को एक बार आप जरूर आंक लें कि आखिर आपके इस कदम को उठाने के लिए आपको भविष्य में कौन सी कीमती चीजों को चुकाना पड़ सकता है। आनंद प्रमोद से संबंधित वस्तुओं को खरीदने से खर्च अधिक होने की संभावना है। व्यावसायिक क्षेत्र में वातावरण अच्छा रहेगा। मानसिक रूप से आज आप स्वस्थ रहेंगे, फिर भी आपको बताना चाहेंगे दोपहर के बाद शारीरिक और मानसिक स्थिति में अनुकूल परिवर्तन आएगा। आपके कार्य से उच्च अधिकारी भी संतुष्ट रहेंगे। धन प्राप्ति का आज सबसे अच्छा योग है। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। अनैतिक कार्य, निषेधात्मक विचारों से दूर रहने की आवश्यकता है। वाणी पर संयम रखिए। परिवार में तकरार होने से आप मानसिक परेशान रहेंगे। मध्याह्न के बाद विदेश से समाचार प्राप्त होंगे। संतान के इस विषय में चिंता रहेगी। उच्च अधिकारियों का आपके साथ कुछ व्यवहार मन में दुखी कर सकता है। प्रतिस्पर्धियों के साथ वाद विवाद में न पड़ें। सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा। आपके बॉस आपके कार्यों की प्रशंसा करेंगे। सहयोगी आपके साथ कार्य करने को और उत्साह दिखाएंगे। आप आज हर कार्य को उत्साहपूर्वक कर पाओगे। सुबह सुबह कोई ऐसी खुशखबरी आपको मिलेगी जिससे कि आप बेहद प्रसन्न रहेंगे और हर एक कार्य को उत्साहपूर्वक करेंगे। आज आप ऊर्जावान और एनर्जेटिक रहेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से आप प्रसन्न और आनंदित रहेंगे। मित्रों तथा संबंधियों के साथ घूमने फिरने की योजनाएं बनाएंगे और आनंददायी प्रवास भी करेंगे। सामाजिक रूप से मान सम्मान प्राप्त होगा। भागीदारों के साथ चर्चा सकारात्मक होगी। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि क्रोध की भावना आप में अधिक रहेगी, इसलिए सावधान रहें। पारिवारिक वाद विवाद से बचने के लिए वाणी पर संयम बरतने की जरूरत है। अधिक खर्चे हो जाने से आर्थिक कष्ट का अनुभव होगा। भीतरी शांति के लिए प्रभु भक्ति का आध्यात्मिक सहायक आप जरूर लें। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि आपको आज आय के कई ऐसे स्रोत सामने उभर कर आएंगे जिनको करने से आपके आमदनी में बढ़ोतरी होगी। आपको अपने कार्य क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा सफलता और आपके व्यापार में, करियर में बहुत ज्यादा परिवर्तन होने को दिख रहे हैं। मित्रों, भाग्य का पूरा पूरा साथ मिल रहा है जिसकी वजह से आप बेहद खुश रहेंगे। जिस भी कार्य को करोगे उसमें सफलता मिलेगी।
अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, किसी नए कार्य को करना चाहते हैं, तो उसके लिए आज का दिन बेहद उत्तम रहने वाला है। आज के दिन किया गया कार्य मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि आपको भविष्य में अच्छे परिणाम, अच्छी सहायता, आपके मान इज्जत प्रतिष्ठा में वृद्धि करवाएगी, धन दौलत में आपका वृद्धि होगा। आपके स्वभाव में आज कुछ अधिक संवेदनशीलता रहेगी। कार्य की सफलता से मन प्रफुल्लित रहेगा, यश और कीर्ति में भी वृद्धि होगी। मायके से अच्छे समाचार की प्राप्ति हो सकती है। शारीरिक और मानसिक रूप से आप प्रसन्नता का अनुभव करेंगे, पारिवारिक सुख शांति बनी रहेगी। आपके प्रत्येक कार्य में आज मनोबल की दृढ़ता और आत्मविश्वास दिखेगा। प्रवास और प्रवर्तन की संभावना सबसे अधिक दिख रही है। अपनी बौद्धिक शक्ति से लेखन कार्य और अन्य सृजनात्मक कार्य करने में आगे बढ़ेंगे। विचारों में शीघ्र परिवर्तन से मानसिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे। इसलिए आपको बताना चाहेंगे कि आकस्मिक खर्च के योग हैं। आप अपने फिजूल खर्चों पर थोड़ी सी आप कटौती करें, जितना हो सके कम खर्च करें और पैसों को आप ज्यादा से ज्यादा सहेजने का प्रयास करें। व्यावसायिक क्षेत्र में आज सहकर्मियों का अच्छा सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। परिवार का वातावरण आनंद पूर्वक रहेगा। वहीं कुछ जातकों के घर परिवार में पारिवारिक कलेश भी संभव है। आज विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है। अपनी जिद को छोड़कर आगे बढ़ेंगे तो अनेक समस्याओं का निवारण होने वाला है। नए वस्त्र भूषण तथा प्रशासन के पीछे धन का खर्च अधिक होने की संभावना है। आर्थिक योजना बनाना सरल होगा। मध्याह्न के बाद वैचारिक स्थिरता नहीं रहेगी। नए कार्य का प्रारंभ करना आज आपके हित में होगा। मित्रों, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आज बना रहेगा। परिजनों के साथ प्रवास पर्यटन का आयोजन बनेगा। लघु यात्रा के योग हैं और मित्रों और स्वजनों के साथ समय का आनंद पूर्वक आप बिता सकेंगे। मित्रों, सौंदर्य, प्रस्तावन और घर की सजावट और मनोरंजन के साधन को खरीद पाएंगे। अगर आप कोई नया वाहन खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आज का दिन बेहद अनुकूल रहने वाला है। मित्रों, आपको अपने ज्यादा से ज्यादा कार्यों को सही समय पर सही दिशा में करने का प्रयास करें। आप बेवजह किस टाइम को व्यर्थ ना करें, अन्यथा आपको भविष्य में पछताने पड़ सकते हैं। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि आज का दिन आपके यादगार दिनों में से एक रहने वाला है। आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहतर है। प्रेम प्रसंग में आपको सफलता मिल सकती है। आपका दाम्पत्य जीवन बेहतर रहेगा। आपका मन प्रसन्न रहेगा। आपके आसपास चहल पहल रहेगी। आपको एक साथ कई काम संभालने पड़ सकते हैं। परिवार के साथ किसी जाने का और कहीं जाने का कार्यक्रम भी बन सकता है। काम और मेहनत ज्यादा रहेंगे, लेकिन आपको सफलता मिल सकती है। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि आज का दिन उत्तम है और छात्रों के लिए विशेषकर आज का दिन महत्वपूर्ण है। उन्हें कोई बड़ी उपलब्धियां मिलेगी। अगर आप कपड़े के व्यापारी हैं तो आपको बताना चाहेंगे कि आपके ग्राहकों और आपके पैसों में आज वृद्धि देखने को मिलेगी। आप बेहद खुश रहेंगे और आज सांसारिक विषयों की बजाय आध्यात्मिक विषयों की तरफ आपका झुकाव सबसे अधिक रहेगा। किसी नकारात्मक भावनाओं को महत्व न देकर मानसिक रूप से स्वस्थ रहने का प्रयत्न करें। शारीरिक प्रफुल्लता और मानसिक प्रसन्नता दिन भर बनी रहेगी। आपको बताना चाहेंगे कि गृहस्थ जीवन शांतिपूर्ण बना रहेगा। धन लाभ होने की संभावना है। रुके हुए धन की आपको प्राप्ति हो सकती है। रुके हुए कार्य आपको किसी सहयोगी की मदद से पूरे हो सकते हैं। धन के लेन देन, उगाही या निवेश करते समय सावधानी बरतें। किसी भी कार्य में विघ्न न डालें। कोर्ट कचहरी की बातों में संभल कर चलने की कोशिश करें। वाणी और क्रोध पर संयम बरतें। आकस्मिक चीजों से थोड़ी संभल कर रहना आपके लिए बेहतर रहेगा। विशेषकर धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्तियों की ओर आपका मन रहेगा। मित्रों से आपको कोई उपहार मिल सकता है। पारिवारिक वातावरण आनंदमय रहेगा। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि आपको कारोबार में रुका हुआ पैसा आज वापस मिल सकता है। आपको नियमित कामकाज में आपका मन लगेगा। कुछ लोग आपसे ज्यादा ही अपेक्षा रखेंगे। समय के साथ काम पूरे होंगे। नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती है, जिससे आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। आपका पैसा आज कहीं पे अटक सकता है, इसलिए अगर आप निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो सोच समझ कर निवेश करें तथा उस क्षेत्र की देखरेख और जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। मित्रों, बढ़ता खर्च आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। किसी काम में अनुमान से ज्यादा ही मेहनत और समय लग सकता है।
आप रिश्तों में सुधार लाने की कोशिश कर सकते हैं। कोई भी फैसला आपको सोच समझ कर लेना चाहिए, बेहतर होगा। मित्रों, आज के दिन बेहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय माँ विंध्यवासिनी।